स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स डिफेंस एकेडमी प्रयाग पर। जैसा कि हम देख रहे हैं 75वें स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, वीर जवानों की कहानी। हम सबको अपने क्रांतिकारी स्वतंत्रता की लड़ाई में जितने लोग शहीद हो गए हैं उसकी इतिहास को हम सभी को जाननी चाहिए। अपना इतिहास किस तरह से हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ था, आज इसी क्रम में हम बताएंगे एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी के बारे में जिनका नाम लाला हरदयाल है। लाला हरदयाल जी का जन्म 14 अक्टूबर 1884 को हुई थी। ये एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी भी थे। लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। विदेशों में भटकते हुए अनेक कष्ट सहकर लाला हरदयाल जी ने देशभक्तों को भारत की आजादी के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। दोस्तों, आज हम इनकी जीवनी को देखेंगे। लाला हरदयाल जी ने दिल्ली और लाहौर में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। देशभक्ति की भावना उनके अंदर छात्र जीवन से ही भरी हुई थी। मास्टर अमीर चंद्र, भाई मुकुल आदि के साथ उन्होंने दिल्ली में भी युवकों के एक दल का गठन किया था। लाहौर में उनके दल में लाला लाजपत राय भी आ गए थे। एमए की परीक्षा में सम्मानपूर्ण स्थान पाने के कारण उन्हें पंजाब सरकार की छात्रवृत्ति भी मिली थी और उसके बाद वे लंदन चले गए हायर एजुकेशन के लिए। लंदन में लाला हरदयाल जी भाई परमानंद और श्याम कृष्ण वर्मा आदि के संपर्क में आ गया। उन्हें अंग्रेजी सरकार की छात्रवृत्ति पर शिक्षा भी प्राप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने श्याम कृष्ण वर्मा के सहयोग से पॉलिटेक्निक मिशनरी की स्थापना की। इसके द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न करने लगे। दो वर्ष तक इन्होंने लंदन के सेंट जॉन्स कॉलेज में बिताए और फिर ये पुनः भारत वापस आ गए। हरदयाल जी अपने ससुराल पटियाला दिल्ली होते हुए लाहौर पहुंच गए और पंजाब नामक अंग्रेजी पत्र के संपादक बन गए। उनका प्रभाव बढ़ता देख करके सरकारी हलकों अंग्रेजों में खलबली मच गई और गिरफ्तारी की चर्चा होने लगी। तो लाला लाजपत राय ने उन्हें आग्रह करके पेरिस भिजवा दिया। श्याम कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा पेरिस में पहले से ही थे। लाला हरदयाल ने वहां जाकर वंदे मातरम और तलवार नामक पत्रिका का संपादन करने लगे। 1910 ईस्वी में हरदयाल जी फ्रांसिस्को चले गए और वहाँ उन्होंने भारत से गए मजदूरों को संगठित करने का कार्य शुरू कर दिया और वहीं पर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में ही उन्होंने गदर नामक एक पत्र निकाला। गदर पत्र के माध्यम से ही फिर उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की 25 जून 1943 में। पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के स्टोरिया में हुआ था और ये अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक
अध्यक्ष सोहन सिंह भकना ये अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त केसर सिंह थदगढ़ उपाध्यक्ष थे, लाला हरदयाल जी महामंत्री थे उसमें, लाला ठाकुर दास धुरी जी संयुक्त सचिव उस गदर पार्टी में थे और पंडित काशी राम मदरौली उस गदर पार्टी में कोषाध्यक्ष थे। गदर नामक पत्र के आधार पर ही पार्टी का नाम गदर पार्टी रखा गया था। गदर पत्र ने संसार का ध्यान भारत में अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दिलाया। नई पार्टी कनाडा, चीन, जापान आदि में शाखाएं खोली गई नई पार्टी की, गदर पार्टी की, और लाला हरदयाल जी इसके महासचिव उस समय थे। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर लाला हरदयाल ने भारत में सशस्त्र क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिए थे। जून 1915 में जर्मनी से दो जहाजों में भरकर बंदूक बंगाल भेजी गई, परंतु मुखबिरों के सूचना पर दोनों जहाज अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिए गए। हरदयाल ने भारत के पक्ष का प्रचार करने के लिए स्विट्जरलैंड, तुर्की आदि देशों की भी यात्रा की। जर्मनी में उन्हें कुछ समय तक के लिए नजरबंद कर दिया गया। वहां से वे स्वीडन चले गए और उन्होंने अपने जीवन के 15 वर्ष स्वीडन में ही बिताए थे। हरदयाल जी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं से सहयोग न मिलने पर शांतिवाद का प्रचार करने लग गए। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए वे फिलाडेल्फिया गए थे। 1939 ईस्वी में भारत आने के लिए वे उत्सुक हुए। दुर्भाग्य था उनके साथ कि अपनी पुत्री का वो मुंह भी नहीं देख पाए थे, अपनी बेटी का वो देख नहीं, एक बार भी देख नहीं पाए थे। लेकिन भारत वो आ नहीं पाए। भारत में उनके आवास की व्यवस्था हो चुकी थी, रहने की व्यवस्था हो चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्य था कि वो भारत वापस नहीं आए और देश का ये फकीर 4 मार्च 1939 को बैठे बैठे ही विदेश में ही सदा के लिए वे पंचतत्व में विलीन हो गए, भारत नहीं आ पाए। वहां से जाने के बाद दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।